हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड अभी मेरे को मेरे घर से एक कुत्ते। सो गाइस आपको बताता हूँ होता क्या है। मैं अपने घर से जब निकलता हूँ, मेरे घर से मेन रोड वाला जो रास्ता है, जो कनेक्टिंग रोड है ना, उसमें इतनी सारी गाय और सांड खड़ी रहती है ना, मैं जब भी निकलता हूँ शाम के टाइम पे तो मेरे को सब के सब भगाने लगते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, कोई भरोसा नहीं कब कोई सांड या गाय आके मेरे को मार दे। एंड बाइक स्लो स्पीड में भी अगर गिर जाए तो बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं वो रोड से जाता ही नहीं, रोड घूम घूम के दूसरे रास्ते से जाता हूँ। अब उन लोगों को पता भी चल जाता है, वो लाइक ऐसे ही मेरी बाइक ऑन होती है ना, वो लोग सब नाचना शुरू कर देते हैं। एंड भाई साहब उसके बाद मेरे को जो प्रॉब्लम होता है ना, सो पहले तो पेट्रोल फिल कराएंगे, पेट्रोल जस्ट 1 बार रिमेनिंग। आज का प्लान बताता हूँ, 7:45 हो रहे हैं एंड अभी हम लोग एक जा रहे हैं एक छोटा सा मीटअप पे। लाइक मैंने मीटअप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है, जो मैंने अपने पोस्ट में बताया था वो तो आगे होगा। अभी जो मीटअप है वो हम लोग के ग्रुप का मीटअप है, हार्ली डेविडसन शोरूम है उसके पास जा रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप है, हम लोग को वहाँ 7:30 तक पहुँचना था लेकिन मैं घर से निकला हूँ 7:40 को। एंड अभी अभिषेक भाई बाईपास पे मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी मेरे को फटाफट से पेट्रोल फिल करवाना है। हाँ सो प्रीमियम भाई साहब अभी जो बैक फायर मार रहा होगा ना भाई, इनसेन होगा। अभी तो पूरा ब्लू फ्लेम्स भी दिख रहे रहेंगे, तो जो पीछे रहेगा उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा सच में। वी आर रेडी टू रोल। बहुत ठंड नहीं है आज, आपको लगा बोलूँगा ठंड है लेकिन आज ठंड नहीं है इतनी। बिना ग्लव्स के भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड भाई कल रात में बाइक को कवर करना मैं भूल गया था, उसके वजह से जो ओस गिरी है ना सुबह, बाइक एकदम से गंदी हो गई है। हम लोग पहुंच चुके हैं बिग कप कैफे एंड ये हम लोग का लाइनअप है, छोटा लाइनअप है लेकिन अच्छा है। 1 Ninja 1000, 1 Z900 एंड 1 CBR 650F। इसमें है स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट, मेरे में है ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट, ये वाला तो स्टॉक है जैसे अभी आप लोग ने सुना। एंड एंट्री करते हैं, देखते हैं कैसा कैफे। में थोड़ा से जो चेंजेस आए हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। कल यानी कि 14 जनवरी को मैं गया था कावासाकी भुवनेश्वर, वो लोग कुछ एक फ्री सर्विस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके वजह से ही मैं गया था वहाँ पे। बाइक की चेकअप वगैरह उन्होंने किया, लैपटॉप से कनेक्ट करके बाइक की सारी डिटेल्स निकाली। वो फ्री अभी चल रहा था लाइक 14, 15 एंड 16, ये 3 डेट सारे कावासाकी बाइक्स के लिए फ्री था, तो मैं भी वहाँ गया था अपनी बाइक की चेकअप करवाने। चेकअप में तो बाइक एकदम सही निकली लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ हो रही थी, बाइक की जो आइडलिंग है ना वो थोड़ी सी कम थी। उसकी वजह से क्या है, कभी कभी थ्रॉटल छोड़ने से एंड क्लच दबाने से बाइक बंद हो जा रही थी। थ्रॉटल उन्होंने एडजस्ट कर दिया एंड उसके बाद भाई ये जो बैक फायर मार रहा, अभी बाइक बहुत अच्छी एंड स्मूथली चलती है। पहले थोड़ा सा जर्क दे रही थी लेकिन एक बार थ्रॉटल एडजस्ट हो गया ना तब तो कोई जर्क्स नहीं है। तो आज वीडियो बनाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था लेकिन सोचा इस बार जब मैंने आप सबको बोला ही है कि ये वाले ईयर में मेरे को अच्छे से मेहनत करके बहुत सारे वीडियोस निकालने ही हैं, तो हर चीज़ पे तो वीडियो बनेगी ही बनेगी। अभी हम लोग अंदर बस कॉफ़ी पी रहे थे जो आप लोग ने सिनेमैटिक शॉट्स में देखा। अभी 9 बज रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से बस निकलने ही वाले हैं, तो अभी वापस से हेलमेट वगैरह पहनेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। With that said guys, see you in the next video. Till then, bye-bye.